यही दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आगे इस वीडियो में हम बात करते हैं बीएड और बीटीसी के को कंपेयर करते हैं। दोस्तों, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि बीएड वालों को पीआरटी में यानी कि 1 से 5 तक के शिक्षक बनने में रोका जा रहा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए बीटीसी आर बेस्ट फॉर द एलिमेंट्री एजुकेशन, फॉर द प्राइमरी एजुकेशन, फॉर द पीआरटी। सो बहुत बड़ी संख्या में बच्चे बीटीसी की तरफ वापस से एडमिशन कराने लगे हैं, वापस से बीटीसी की तरफ जाने लगे हैं। और वो बच्चे जो बीएड कर चुके हैं उन्हें भी एक असमंजस है कि क्या उन्हें उसके बाद बीटीसी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक कंपैरिजन करेंगे हम, कोर्स कंपैरिजन करेंगे कि बीएड और डीएलएड यानी कि बीएड और डीएलएड के क्या कोर्सेज हैं, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, फीस क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, एडमिशन क्या है। तो नई नई जानकारियाँ हम यहाँ पर देखेंगे और कम्प्लीट एक कंपैरिजन होने वाला है डीएलएड और बीएड के बीच में, बिना किसी पर्सनैलिटी के, बिना किसी अपने ओपिनियन के, क्योंकि एक पक्ष नहीं लेंगे हम। जो जेन्युइन चीज़ें होती हैं बीएड और बीटीसी के कंपैरिजन में हम उसको करने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको सबको जानना चाहिए। आइदर यू आर इन बीएड और बीटीसी, यू मस्ट बी फैमिलियर विद दिस बेसिक्स इन्फॉर्मेशन अबाउट बोथ द कोर्सेज, राइट। सो लेट्स बिगिन द वीडियो एंड फर्स्ट थिंग की ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं कि दोनों कोर्सेज दोस्तों, चाहे आप बीएड करें चाहे आप डीएलएड करें, दोनों कोर्सेज के अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो दोनों कोर्सेज 2 साल के होते हैं, बीएड भी और बीटीसी भी, एज वी ऑल नो। एडमिशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो दोस्तों, बीएड में चाहे डीएलएड में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक चीज़ कंपल्सरी है कि जब बीएड या डीएलएड के एडमिशन प्रोसेस शुरू होते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपने आप को करना पड़ता है, कंपल्सरी आपको करना पड़ता है। बीएड में खास तौर पे अगर आप नहीं करते हैं रजिस्ट्रेशन तो इसके बाद आप पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी बीएड में सीट नहीं मिलेगी, आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन इज द कंपल्सरी। एडमिशन प्रोसेस की बात करें दोस्तों तो बीएड में जो एडमिशन होता है ना वो एंट्रेंस के थ्रू होता है। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कराया फिर उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम होगा, एक कट ऑफ बनेगा, जिसका हाईएस्ट नंबर होगा उसका अच्छा रैंक आएगा और उस रैंक के हिसाब से आपको यहाँ पे सीटें अलॉट की जाएंगी काउंसलिंग के थ्रू। वहीं अगर हम डीएलएड की बात करें तो डीएलएड में एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, फॉर्म भरेंगे आप, अपने मार्क्स सबमिट करेंगे 10th के, 12th के और ग्रेजुएशन के, तो उस बेस पे मेरिट लिस्ट बनता है और मेरिट में जिसके परसेंटेज हाई होते हैं उसके हिसाब से उन्हें टॉप के कॉलेजेस मिलते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते हैं। तो एडमिशन प्रोसेस बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही आसान कि बीएड में दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता है, जबकि डीएलएड में अब तक 2023 में ये वीडियो बना रहा हूँ तो अब तक दोस्तों मेरिट के बेस पे आपको कॉलेज की सीटें अलॉट होती हैं और आपको एडमिशन मिलता है। थर्ड है दोस्तों एलिजिबिलिटी। दोनों की एलिजिबिलिटी में दोस्तों आपको मिनिमम 50% का ग्रेजुएशन में मार्क्स होना चाहिए। कुछ अगर कास्ट वाइज देख लें, कैटेगरी वाइज देख लें तो कुछ रिलैक्सेशन होता है, बट हम जनरल बात कर लें तो 50% आपको, 50% आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, आपके बीए बीएससी बीकॉम जो भी आपने ग्रेजुएशन किया दोनों होना चाहिए। चलिए, इससे एक और चीज़ साबित होता है कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो बीए डीएलएड होता है ना उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं, मैं जैसे भी रिसेंटली बिहार गया था तो वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे बच्चे उसके बाद 12th के बाद भी बीटीसी या डीएलएड कर पाते थे पहले, अभी का वहाँ का मुझे पता नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में दोस्तों आपको डीएलएड करने के लिए चाहे बीएड करने के लिए कम से कम आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम कंपैरिजन कर लेते हैं कोर्स फीस के बारे में। तो फीस के बारे में अगर हम बात करें तो आप सबको पता है कि जैसे आपका हाई परसेंटेज होगा डीएलएड में तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और बीएड में अगर आप एंट्रेंस में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो फीस की बात कर लें तो बीएड के गवर्नमेंट कॉलेज की फीस बस यूँ समझिए 5,000 से 10,000, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, कितनी हाई रैंक है, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसे कॉलेजेस को भी जानता हूँ जिसके 3,000 या 5,000 भी फीस है बीएड के पूरे एक साल की, पूरे एक साल की 5,000 फीस है बीएड की। सिमिलरली दोस्तों डीएलएड की बात करें तो 10,000 तक गवर्नमेंट कॉलेज की फीस थी, वो भी डिपेंड करता है कि कौन से कॉलेज में आप लेते हैं, तो 10,200 रुपये आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की फीस होगी डीएलएड की। और प्राइवेट की बात करें तो बीएड में प्राइवेट में फिक्स होता है अगर आप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेते हैं कहीं भी तो 51,250 रुपये आपको फर्स्ट ईयर में देने हैं, सेकेंड ईयर में आपको 30,000 रुपये आपको फीस देना है, कॉलेज फीस होता है। जबकि प्राइवेट डीएलएड की बात करें तो 41,000 रुपये आपके फीस लगते हैं डीएलएड में। ये हो गई बात दोस्तों फीस की, राइट। अब यहाँ पे इसके अतिरिक्त भी कुछ फीस लगता है, वो आपके कॉलेज वाले जैसे फाइल के नाम पे, किट के नाम पे, आपके प्रोजेक्ट के नाम पे, आपके विजिट जो टूर होता है उसके नाम पे, वो अलग चार्ज करते हैं, बट वो अनऑफिशियल है, वो कॉलेज वाले कितना करते हैं वो जानते हैं, बट ऑफिशियली फीस यही है कि फर्स्ट ईयर में जो आपका कोर्स फीस होता है
वो है 51,000 और आपका सेकेंड ईयर में जो फीस है वो है 30,000 बीएड में, जबकि डीएलएड के दोनों साल में 41,000 फीस है आपके प्राइवेट कॉलेजेस की, राइट। चलिए कोर्स ओरिएंटेशन बात कर लेते हैं कि ये जो कोर्स कराया जाता है वो किस और किस लक्ष्य के लिए किया जाता है, इसका गोल क्या होता है, इसका लक्ष्य क्या होता है। देखिए जैसा कि डीएलएड को हम जानते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो जो डीएलएड दोस्तों वो बेसिक फोकस करता है प्राइमरी एजुकेशन पे, ठीक है। जब आप इसको सिलेबस को देखेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो डीएलएड में क्लास 1 से 5 तक के टीचर बनने के लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है, जबकि बीएड की बात करें तो बीएड में दोस्तों ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। जैसे जब आप बीएड करेंगे तो कुछ कॉमन सब्जेक्ट के अलावा किन्हीं दो विषयों में जो आपका ग्रेजुएशन में रहा है, किसी दो विषयों में आपको पेडागोजी पढ़नी पड़ती है बीएड में। कोई भी दो विषय जो आप, चाहे वो मैथ फिजिक्स हो, बायोलॉजी फिजिकल साइंस हो, हिस्ट्री जियोग्राफी हो, इंग्लिश जियोग्राफी हो, इंग्लिश होम साइंस हो, हिंदी संस्कृत हो, इस तरीके के किन्हीं दो विषय को आपको बीएड में पढ़ना पड़ता है, जबकि डीएलएड में आपको सारे विषय पढ़ने पड़ते हैं। तो जो बीएड मेनली फोकस करता है आप 6 से लेकर 12 तक, एक चीज में और क्लियर कर दूँ, 6 से 12 तक में 11 और 12 आपको करने के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। अगर आप टीचर 11 और 12 के बनने चाहते हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, बाकी 6 से 10 तक आप केवल ग्रेजुएशन और बीएड के बेस पे बन सकते हैं। तो यह हुआ। अब एग्रीगेट परसेंटेज की बात करें दोस्तों, बीएड की तुलना में डीएलएड में ज्यादा परसेंटेज बनता है कंपेयर करेंगे तो। जैसे आपको बीएड फाइनल होगा तो आपका अगर बहुत अच्छे स्टूडेंट है तो आप 70 से 80% तक पा पाएंगे, मतलब इसके जो परसेंटेज होते हैं यूनिवर्सिटी वाइज वो 60 से 80% होते हैं जब आपका बीएड कोर्स फाइनल होता है। जबकि डीएलएड की बात करें तो डीएलएड में परसेंटेज काफी हाई होते हैं, इसके जो आप एग्रीगेट परसेंटेज बनेंगे आपके डीएलएड फाइनल होने के बाद तो उसके परसेंटेज 80 प्लस ही रहता है, 85, 90, 92, 93, इतने हाई परसेंटेज जाते हैं डीएलएड में। तो इसकी तुलना में करें तो डीएलएड में परसेंटेज काफी ज्यादा हाई होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है दोनों कोर्सेज करने के बाद। तो इसमें दोस्तों पहले हम डीएलएड को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम जाएंगे बीएड की तरफ। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड में बहुत ही कॉमन है दोस्तों, 1 से लेके 5 तक टीचर बनने के लिए आपको डीएलएड होना चाहिए, डीएलएड के बेस पर आप आसानी से बन सकते हैं। अब कुछ नई भर्तियों में 6 से 8 तक के लिए भी डीएलएड को अलाउ किया जाता है, बाकी 1 से 5 तक जब आप टीचर बन जाते हैं तो कुछ वर्षों के अनुभव के बाद आपको प्रमोट करके 6 से 8 के भी टीचर बनाए जाते हैं। केवीएस पीआरटी में बात करें, जैसे केवीएस केंद्रीय विद्यालय की जो वैकेंसीज आती है 1 से 5 के लिए पीआरटी के लिए, उसमें भी डीएलएड को यहाँ पे मांगा जाता है, तो डीएलएड की ये जॉब अपॉर्चुनिटी हो गई। वहीं अगर हम बीएड की बात करें तो अब तक दोस्तों बीएड वाले को प्राइमरी में शामिल किया जाता था 1 से 5 तक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस पर विराम लग गया है। आगे इसका क्या निर्णय होगा इसके बारे में बाद में बात किया जा सकता है, क्योंकि लगभग देखिए तो बाहर कर दिया गया है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कट का निशान लगा दिया कि अब तक तो बीएड को पीआरटी में शामिल किया जाता था 1 से 5 में, लेकिन यहाँ से चीज़ों को रोक दी गई। इसके अलावा क्या ऑप्शन है, बहुत ही सिंपल, 6 से लेकर 8 तक, 9, 10 बीएड वाले एलिजिबल होते हैं, टीजीटी 9th to 10th कर सकते हैं दोस्तों, एलटी ग्रेड में शामिल हो सकते हैं, नवोदय विद्यालय में 6 से 12 तक में शामिल हो सकते हैं, केवीएस और DSSSB में वो शामिल हो सकते हैं बीएड के विद्यार्थी। अब यहाँ पे आपको कहीं अगर ये लग रहा होगा कि बीएड के पास ज़्यादा मौका है और डीएलएड के पास कम है, तो मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूँ। देखिए 6 से ऊपर की जब कक्षाओं के आप टीचर बनेंगे ना, तो वहाँ पे जो वैकेंसीज आती है वो सब्जेक्ट वाइज आती है। जैसे जब वैकेंसी आएगी तो इंग्लिश के हमें 1200 टीचर चाहिए, हिंदी के 1500 टीचर चाहिए, इंग्लिश के मैथ के मान लीजिए 1100 टीचर चाहिए, उर्दू के हमें, तो जब यहाँ पे वैकेंसीज आती है तो सब्जेक्ट वाइज आती है। आप जैसे आप किसी स्पेशल पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर नहीं अप्लाई कर पाएंगे, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा। आप अगर मैथ स्ट्रीम से हैं तो आप बायो में नहीं अप्लाई कर पाएंगे, आप अगर हिंदी संस्कृत से हैं तो आप इंग्लिश में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जो इसमें जो वैकेंसीज आती है दोस्तों वो सब्जेक्ट वाइज आती है, ठीक है, वो सब्जेक्ट वाइज आती है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम होती है, 1200, 1500 या बहुत ज़्यादा आएगी तो 2000 आएगी, ठीक है, और केवल स्पेसिफिक आएगी सब्जेक्ट वाइज कि आप मैथ के हैं तो मैथ में अप्लाई करिए, इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश में, और सोशल स्टडी के हैं तो सोशल स्टडी में अप्लाई करिए, इस तरीके से वैकेंसीज आती हैं। जबकि डीएलएड में क्या आता है ना, जनरल वैकेंसी आती है कि पीआरटी 1 से 5 तक के लिए सभी बच्चे जितने भी बीटीसी के हैं सब आवेदन कर सकते हैं, तो इसमें भर भर के भर्ती आती है वैकेंसी, 20,000, 50,000, 60,000, बिहार में अभी 70,000 वैकेंसीज आई है, और 70,000 वैकेंसी कभी किसी कीमत पे बीएड वालों के लिए आ ही नहीं सकता, टीजीटी में कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आता है। तो इसीलिए नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो डीएलएड वाले के पास बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसीज के नंबर होते हैं,
कंपेयर टू बी एड वाले के पास बहुत छोटी संख्या में नंबर्स ऑफ वैकेंसीज होते हैं क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। तो बी एड में दोस्तों जॉब अपॉर्चुनिटी नंबर्स ऑफ पोस्ट तो ज्यादा है, जैसे कि KBS PR KBS हो गया, NBS हो गया, लेकिन जो वैकेंसीज हैं वो बहुत लिमिटेड संख्या में होती हैं। इसीलिए DLED में जॉब लगना इजी होता है क्योंकि वहाँ पे वैकेंसीज ज्यादा होती हैं कंपेयर टू BEd की बात करें। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आइए बेस्ट फॉर की बात करें, एजुकेशनल बेस्ट। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है ना बीएड वालों के साथ, कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। जैसे जो टेक्निकल डिग्री के बच्चे हैं, जैसे BCom, BBA, BCA, BTech, इनका कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है, तो इसलिए ये TGT के नहीं टीचर बन पाते। हालांकि कुछ राज्यों में अब नई शुरुआत की जा रही है कि इनको भी मौका दिया, जैसे बिहार में BTech वालों को 9th और 10th के लिए मौका दिया गया है, ठीक है, लेकिन अन्य राज्यों में नहीं दिया गया। तो अब कुछ राज्य इसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है उनका बीएड करना खराब हो गया। सीरियसली बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है ना, तो आपका बीएड करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली जो आपका सब्जेक्ट से आप बीएड कर रहे हैं वो आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, तभी आप बीएड के आधार पे TGT में पढ़ा सकते हैं। जबकि डीएलएड की बात करें तो डीएलएड में कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात नहीं होती। आपने डीएलएड किया है तो 1 से 5 में आवेदन करिए, शिक्षक बनिए, शिक्षिका बनिए। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे डीएलएड थोड़ा सा बेहतर हो जाता है अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, खासतौर पे जो टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, बीए, बीटेक, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, ये बच्चे डीएलएड करें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है अगर आप केवल एक शिक्षक की बात, बाकी आगे अगर पढ़ना चाहते हैं तो बीएड कर लीजिए, नो डाउट। तो यहाँ तक बात हो गई इसकी। अब आइए अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस दोस्तों जैसे कि बीएड में ना अलग अलग यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। कैसे, मान लीजिए जो बीएड में आप एडमिशन लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम के बाद, तो पहले आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना होता है, लखनऊ विश्वविद्यालय, अयोध्या विश्वविद्यालय, झांसी विश्वविद्यालय, छत्रपति शाहूजी महाराज मेरठ विश्वविद्यालय, गोरखपुर दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, जौनपुर विश्वविद्यालय, आजमगढ़ विश्वविद्यालय। तो इन सभी विश्वविद्यालय में से किसी एक विश्वविद्यालय का आप चुनाव करेंगे और इस विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड संबंधित जो कॉलेज है वहाँ पे आपकी एडमिशन हो जाएगी। तो आपका जो कोर्स होगा, आपका जो सिलेबस होगा, आपका जो एग्जाम पैटर्न होगा, आपकी जो एग्जाम टाइमिंग होगी, आपकी जो मार्क्स होगी, वो सब वो विश्वविद्यालय निर्धारित करेगी। और अलग अलग विश्वविद्यालय के अलग अलग टाइमिंग होते हैं एग्जाम के, अलग अलग कोर्स होते हैं, अलग अलग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उनकी अलग अलग एग्जाम पैटर्न होते हैं, राइट। अब जैसे मान लीजिए गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीएड में ऑब्जेक्टिव्स भी होता है और सब डिस्क्रिप्टिव भी पेपर होता है, जबकि अवध विश्वविद्यालय में केवल डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। वहीं अगर हम बात करें आगरा विश्वविद्यालय की, तो वहाँ पे भी ऑब्जेक्ट, तो सबके पैटर्न अलग अलग होते हैं। एग्जाम में डिपेंड करता है कि आप कौन से विश्वविद्यालय में एडमिशन लिए हैं। दोस्तों वहीं अगर हम बात करें डीएलएड की, तो डीएलएड का दोस्तों पूरे उत्तर प्रदेश में एक कॉमन एग्जाम, जैसे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम होते हैं ना, ठीक वैसे ही डीएलएड का एग्जाम्स डेट आता है, फॉर्म भराई जाती है, तो पूरे प्रदेश में एक साथ बच्चों का एग्जाम होता है, एक सिलेबस होता है, उसमें कुछ कॉमन और कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन बच्चों को सारे पढ़ने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि बीएड में आपको कोई 2 सब्जेक्ट आपके विषय के पढ़ने पड़ते हैं, जबकि डीएलएड में आपको क्या पढ़ना पड़ता है, आप हिंदी भी पढ़ेंगे, इंग्लिश भी पढ़ेंगे, आप फिजिकल साइंस भी पढ़ेंगे, मैथ भी पढ़ेंगे, तो सारे कोर्सेज के सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है। वहाँ पे आपको चॉइस नहीं होती, क्योंकि आपको 1 से 5 तक का टीचर बनना है, तो 1 से 5 तक के आपको सारे विषय का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा आपको साइकोलॉजी ऑफ वो चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ना पड़ता है, नॉलेज एंड करिकुलम, इस तरीके के सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो डीएलएड में नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू बीएड में। और एग्जाम्स की बात करें दोस्तों और सिलेबस की बात करें, तो बीएड में यूनिवर्सिटी वाइज डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में, आपका क्या सिलेबस होगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कब एग्जाम डेट आएगा, प्रैक्टिकल क्या होगा, ये यूनिवर्सिटी के अनुसार डिपेंड करता है, ये अलग भी होता है। जबकि डीएलएड में क्या होता है, कॉमन होता है, पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरीके की पेपर होती है, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम होते हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में। अब चलिए एग्जाम फॉर्मेट की अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो बीएड हो चाहे डीएलएड हो, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है। डीएलएड में तो कंफर्म है सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है, बीएड में कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां पे ईयरली एग्जाम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अवध विश्वविद्यालय अयोध्या और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, यहाँ पे ईयरली एग्जाम होता है।
फर्दर स्टडी की बात करें दोस्तों, तो दोनों कोर्सेज करने के बाद आप आगे एमएड कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक बच्चे डाउट कर सकते हैं कि क्या हम डीएलएड करने के बाद भी एमएड कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है उसके बाद डीएलएड किया है तो आप एमएड कर सकते हैं। मैं आपको लखनऊ विश्वविद्यालय का ये एमएड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखा देता हूँ। यहाँ पे डेफिनेटली लिखा है कि डीएलएड विद एन अंडर ग्रेजुएट कोर्स। तो अगर आपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया और डीएलएड किया है तो आप डेफिनेटली आगे एमएड कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ तक बात हो गई सारे कोर्सेज की और यहाँ तक बात हो गई कंपैरिजन की। अब एक और सवाल रह जाता है कि इसके अंदर क्या पढ़ना है। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया, बीएड के सिलेबस यूनिवर्सिटी वाइज डिपेंड करते हैं और डीएलएड के सिलेबस तो कॉमन होते हैं। तो मैं अगले वीडियो में एक एक करके पूरे सब्जेक्ट वाइज डिटेल बता दूंगा कि डीएलएड में आपको क्या पढ़ना है, और हालांकि बीएड में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। आप किस विश्वविद्यालय के बारे में, सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट में बताइएगा, मैं उसको बता दूंगा। बाकी डीएलएड का तो मैं कॉमन होता है वो डेफिनेटली बता दूंगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, बीएड और डीएलएड के कंपैरिजन में आपको कुछ समझ आया होगा कि क्यों, क्या फ़र्क है इन दोनों में, क्या अंतर है चीज़ों में, और क्या है बेसिक इनका जो डिफरेंस होता है, बेसिक इनका जो करिकुलम होता है। सो ये था दोस्तों एक बहुत ही शार्प और बहुत ही छोटा कंपैरिजन बीएड और डीएलएड को लेके। दोनों कोर्सेस अच्छे हैं, डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। आज से एक सवाल यहाँ पे आ जाता है कि मैं अपने तरफ से क्या सुझाव दूंगा बच्चों को, क्या कहूँगा करने के लिए। तो देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपका नॉलेज किस लेवल का है और आप किस लेवल के टीचर बनना चाहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप अपने घर वालों के लिए, आप अपने छोटे भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए कोई एक ऑप्शन देना चाहते हो कि वो प्राइमरी 1 से 5 तक के टीचर बने, या 6 से 8 तक के टीचर बने, 9 से 10 के टीचर बने, या 11 से 12 के टीचर बने, तो आप डेफिनेटली ये चॉइस करोगे कि मेरा बेटा ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर लेवल के टीचर बने, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन लेवल भी अच्छी होगी, वहाँ पे सैलरी भी अच्छी होगी, वहाँ पे करियर ऑप्शन भी ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे आपको कॉम्पिटिशन ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की मेहनत कर सकते हैं। पीआरटी में अगर आपने, जैसे अगर आपने बीएड कर रखा है या बीटीसी कर रखा है, तो पीआरटी आपके लिए बेस्ट है। पीआरटी में दोस्तों मतलब 1 से 5 तक के लिए डीएलएड आपके लिए बेस्ट है। जो डीएलएड करना चाहते हैं, केवल 1 से 5 तक के लिए शिक्षा बनना चाहते हैं, वो ये करें। बाकी जिनको लगता है कि उनका सब्जेक्ट पे कमांड ठीक है, SST हो या इंग्लिश हो, जो भी उनका अपना सब्जेक्ट हो उस पर उनका कमांड ठीक है, वो अच्छे से समझते हैं उस चीज़ों को, एक्सप्लेन अच्छे से कर पाएंगे, तो वो डेफिनेटली बीएड की तरफ जाएं। बीएड करने के बाद वो 6 से 12 तक के टीचर बन पाएंगे। लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि पीआरटी में 1 से 5 तक में वैकेंसीज ज़्यादा आती हैं और इसमें वैकेंसीज कम आती हैं, तो आप कर सकते हैं अपने चॉइस के अनुसार। बाकी मैं अगर अपनी बात करूँ तो जो बच्चा अभी एडमिशन ले रहा है, मैं उससे यही कहूँगा कि आप एक काम करो, आप डीएलएड कर लीजिए। फायदा इसलिए होगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डीएलएड के बाद नंबर्स ऑफ वैकेंसी ज़्यादा आएगी, आपको जॉब यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। तो आप जैसे डीएलएड कर लीजिए, उसके बाद आपके पास मौका मिलता है तो आप आगे एमएड करिएगा। एमएड करने के बाद आपके और सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, तो इस तरीके से आप करते रहिए। बीएड अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कमांड अच्छा है तो आप बीएड कर सकते हैं, नो डाउट। बाकी इस वीडियो में फिलहाल इतना है दोस्तों। कोई अन्य जानकारी, सुझाव, मशवरा, सलाह, शिकायत हो, कमेंट में आप हमसे बता सकते हैं, पूरी आपकी सुनवाई की जाएगी, वहाँ पर देखा जाएगा और रिप्लाई भी किया जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे बहुत अच्छा लगा इस कंपैरिजन से, मैं आशा करता हूँ आपको भी समझ आया होगा। कैसी लगी वीडियो दोस्तों कमेंट में हमें जरूर बताएं, आपकी राय प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में, जरूर बताएं। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए, नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।